अस्सलाम वालेकुम सामीन, 6 शव्वाल अल मुकर्रम है, 8 मई है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबर का उन्वान है, अब ताजमहल भी फिरका परस्तों के निशाने पर। बीजेपी के एक लीडर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये याचिका दरख्वास्त दायर की है कि ताजमहल के 20 कमरे जो बंद हैं उनको खोलकर देखा जाए, क्योंकि उनके अंदर मंदिर है। दोबारा खबर सुने, बीजेपी के लीडर ने इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में रिट दाखिल करके ये मांग की है कि ताजमहल में 20 कमरे ऐसे हैं जिनमें मंदिर हो सकता है, इसलिए उनको खोलकर देखा जाए। रिट में कहा गया है कि ये देखा जाए कि वहाँ की शिलालेख, वहाँ कोई कतबा लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, कोई तख्ती पत्थर की लगी हुई है नहीं लगी हुई है, दीवारों में मूर्ति है नई मूर्ति है। तो ये मांग की गई कि महकमा आसार कदीमा को, पुरातत्व विभाग को यह आदेश दिया जाए कि इन 20 कमरों को खोला जाए। साथ साथ ये मांग की गई है कि एक कमेटी तश्कील दी जाए जो बाकायदे इसकी जांच करे। इस मामले का अहम पहलू ये है कि अदालत ने 10 मई को मामले की सुनवाई की तारीख तय कर दी है। आज 8 मई है, कल पीर है मंगल को, परसों को इसकी भी सुनवाई होगी। ये एक तरह से नया फितना खड़ा होने जा रहा है।